वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेस। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेस। आज की इस लेटेस्ट वीडियोस में हम आप सबको त्रिकोणमिति टेबल ट्रिक बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेंगे ना तो ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान निकालना। साइन का हो, कॉस का हो, टेन का हो, कॉसेक हो, सेक हो, कॉट हो, इन सब का मान आप चुटकियों में निकाल देंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बिना टाइम लिए हुए हम आपको बताते हैं कि त्रिकोणमिति टेबल को कैसे हम सेकेंडों में याद कर लें। तो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। देखिए ट्रिक क्या है, तो ट्रिक आपका है अंडर रूट, है ना, 0/4। ध्यान से देखिएगा, है ना, साइन के लिए है ये, और फिर देखिए है 1/4, बहुत ही आसान होगा 1/4। फिर अगला है आपका 2/4, ठीक है, फिर अगला है 3/4, और फिर जस्ट उसके बाद है आपका 4/4, ठीक है। आपको इसको सोल्यूशन करके इसमें पुट कर देना है। जैसे कि 0 में 4/4 है, इसको मैं सोल्यूशन करके दिखा देता हूँ। देखिए रूट के अंदर आपका क्या है, 0 और 4 है। किसी चीज़ में, है ना, 0 में भाग लगाएंगे तो रूट में 0 बचेगा और आपका आ जाएगा 0, यानी कि यहाँ पे आपका साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया। 1 का वर्गमूल 1 होता है, यहाँ 1 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2, तो 1/2, ठीक है। अब इसका देखिए 2/4 है, है ना, तो 2/4 है, तो इसको आप सोल्यूशन करेंगे। इसको भी हम दिखा देते हैं 2/4 का, जैसे कि ये 2/4 है, ठीक है। यहाँ पे हम कटाएंगे तो 1 बार में और ये 2 बार में, तो रूट में हमारा हो जाएगा 1/2। 1 का वर्गमूल 1 होता है लेकिन रूट 2 का नहीं होता है, 1/√2 हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा 1/√2, क्लियर। अब उसी तरह से देखिए कि इसमें देखिए 3/4 है, तो 3 का तो वर्गमूल नहीं निकलता है ना, तो 3 के लिए आपका रूट 3 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2, तो रूट 3/2, और ये 4 कैंसिल आउट होके, है ना, ऐसे हो जाएगा। देखिए कि 4 है ना, तो 4 और 4 कट के आपको 1 देगा, और 1 का वर्गमूल 1 होता है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये आपका भरा गया पहला डब्बा साइन वाला। देखिए साइन 0 = 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, और साइन 60 √3/2, और साइन 90 1। अब कॉस में आपको कुछ नहीं करना है, कॉस में आपको इधर से रिवर्स लिख देना उल्टा। जैसे कि ये 0 था ना, तो आप इधर से रिवर्स लिखिए, जैसे कि 1 हो गया, ओके, फिर इसके बाद आप लिख दीजिए √3/2, ओके, ये सेम टू सेम हो जाएगा 1/√2, और फिर ये 1/2 यहाँ आ जाएगा, और 0 लास्ट में। तो इस तरह से देखिए कॉस का मान हो गया, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, और कॉस 90 0। अब हमें टेन निकालना है, तो टेन जानबे करते हैं। टेन क्या होता है, तो देखिए आपको मैं बताता चलूं कि टेन जो होता है ना, वो साइन और कॉस का अनुपात होता है, साइन बटा कॉस दोनों का अनुपात किया जाता है। तो देखिए मान लीजिए 0 निकालना है, तो शुरू में आपको यहाँ पे साइन का मान 0 है, और कॉस का मान क्या है 0 डिग्री में 1, और 0 में 1 से भाग करेंगे आपको 0 मिलेगा, है ना, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 1/√3/2 इसका भाग करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, 10 30 डिग्री का नहीं मालूम, देख लीजिए 1/2 था, फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ था √3/2, तो देखिए इसका मतलब होता है भाग, तो 1/2 पलटेगा तो 2/√3 हो जाएगा, 2 कैंसिल तो 1/√3 आया ना, 1/√3, तो 1/√3 हो गया। यहाँ भी 1/√2 है, वहाँ भी 1/√2, ये और ये कैंसिल आउट होके आपको 1 बचेगा। यहाँ भी देखिए √3/2 है, यहाँ 1/2, तो इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर लेंगे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा √3। अब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, अब 0 से किसी चीज़ में भाग करेंगे ना, देखिए यहाँ पे 1 है और 0, 0 का टेबल नहीं होता है, जैसे भाग करेंगे आपको मिलेगा अपरिभाषित, ओके, तो ये हो गया अपरिभाषित, क्लियर ना। अब देखिए कॉसेक, तो कॉसेक जानते हैं ना किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो 0 है और 0 का उल्टा आप करेंगे तो आप करेंगे 1/0, और 0 से भाग नहीं होता इसलिए अपरिभाषित, ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित। कॉसेक 30 निकालना है, तो 1/2 का उल्टा क्या होगा 2, तो 2 हो गया।
कॉसेक मान लीजिए आपको 45 निकालना है, तो 45 वन बाई रूट टू का उल्टा रूट टू। कॉसेक आपको 60 निकालना है, तो साइन 60 जो है रूट 3 बाई 2 है, इसका उल्टा कर दीजिए तो 2 बाई रूट 3। अब कॉसेक मान लीजिए आपको निकालना है 90 डिग्री, तो कॉसेक 91 है और 1 का उल्टा 1 है, ठीक है। अब सेक निकालना है, तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का होता है, तो कॉस है ना, तो शुरू में आप 0 डिग्री निकालना चाहेंगे तो 1 है और 1 का उल्टा आपका क्या मिलेगा, 1। सेक मान लीजिए आपको 30 निकालना है, तो कॉस 30 देख लीजिए, तो कॉस 30 आपका रूट 3 बाई 2 है, इसका रिवर्स करेंगे तो 2 बाई रूट 3। सेक मान लीजिए हमें निकालना है 1 बाई रूट 2, 45 डिग्री, तो 1 बाई रूट 2 का उल्टा रूट 2। सेक निकालना है हमें 60 डिग्री, तो कॉस 60 का उल्टा 2 हो जाएगा, ठीक है। और सेक देखिए यहाँ पे हमको मान लीजिए 90 निकालना है, तो कॉस 90 क्या है हमारा, 0, और 0 का उल्टा अभी बताएं अपरिभाषित, तो ये अपरिभाषित हो गया। अब मान लीजिए कॉट निकालना है, कॉट जो होता है कि 10 का उल्टा होता है ना, कॉट किसका उल्टा होता है, 10 का, तो कॉट देखिए 10 में देखिए 0, 0 है 0 डिग्री में, तो 0 का उल्टा आपको अपरिभाषित मिल जाएगा। कॉट 30 निकालना है, तो 10 30 का उल्टा रूट 3, ये 1 बाई रूट 3 था, इसका उल्टा रूट 3 होगा। कॉट 45, तो 10 45 का मान 1 है, तो कॉट 45 का मान भी उल्टा करने पर 1 ही मिलेगा। कॉट मान लीजिए हमें 60 निकालना है, तो 10 60 देखेंगे तो रूट 3 है, रूट 3 का उल्टा 1 बाई रूट 3। अब मान लीजिए कॉट हमको निकालना है 90 डिग्री, तो 10 90 इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव का उल्टा देख लीजिए, हम इन्फिनिटिव का उल्टा दिखा रहे हैं, इन्फिनिटिव के नीचे 1 है, तो इसका उल्टा 1 बाई इन्फिनिटिव होगा, और किसी चीज़ से भाग करने पर ये 0 डिग्री हो जाता है, तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए आपका पूरा देखिए टेबल जो है ना तैयार हो गया, ठीक है। और देखिए इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, कोई किताब कॉपी नहीं देखा गया, बस इस ट्रिक को याद रखना है, 0/4, √1/4, √2/4, √3/4, √4/4, इससे आप साइन को भर लेंगे, जैसे आप साइन को भरेंगे फिर उसके बाद कॉस का रिवर्स करके लिख देंगे उल्टा, कॉस भर जाएगा, और साइन और कॉस का अनुपात लिख के आप टेन को भर लेंगे, जैसे टेन बचे भर जाएगा तो इन तीनों को निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक जो है साइन का उल्टा होता है, सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, और कॉट जो होता है टेन का उल्टा, और इस तरह से आपका पूरी तरह से कॉपी फुल अप हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने जो आपको अभी सिखाया त्रिकोणमिति का टेबल याद करने का ट्रिक कैसा लगा, कमेंट सेशन में कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। अगर ये आपको पसंद आया तो लाइक कर देंगे और वीडियो को अपने साथियों में शेयर कर देंगे, और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन क्लिक कर लेंगे, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, टाटा बाय बाय।